है एवरी वन दिस इज़ शानी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स एंड इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैर इज़ टाइटल्ड एज डायलॉग राइटिंग तो देखो ऐसा होता है ना कि जब भी हम अपनी इंग्लिश की स्किल्स की बात कर रहे हैं वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर स्पोकन स्किल्स वेदर इट इज़ रिलेटेड टू राइटिंग स्किल्स या रीडिंग स्किल्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हटकर होती हैं फ्रॉम करिकुलम ठीक है यानी आपको सिलेबस में दे दिया जाता है कोई भी एक ऐसा टॉपिक फॉर एग्जाम्पल हम बात करेगा लेटर राइटिंग की स्पेसिफिकली फॉर्मल लेटर राइटिंग की तो ये सारी चीजें हमें क्या लगती है कि यार सिलेबस का पार्ट है उसी और पढ़ेंगे एंड देन इट्स डन नहीं इन रियल लाइफ ऑल्सो लाइक आफ्टर ट्वेल्व या आफ्टर यू गेट ग्रेजुएटेड आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन जब भी आप अपनी जॉब की जो टाइम स्टार्ट होती है ना जब हम जॉब वगैरह ढूंढते हैं तब भी अगर सबसे पहले चीज अगर आप भेजते हो तो क्या भेजते हो अपनी जॉब एप्लीकेशन राइट और वो सॉर्ट sort ऑफ of एक इन्फॉर्मल लेटर टाइप होता है उस कवर लेटर वगैरह होता है इसकी भी बात हम करेंगे कभी ना कभी तो इसीलिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें आनी चाहिए इट इज़ नॉट लाइक अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है देन ओनली इट इज इंपॉर्टेंट देर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट रहा होता है हीरो, कुछ, कुछ बोल रही होती तो आपको कुछ याद रहता क्या नहीं बट स्पेसिफिकली जब हम किसी मूवी की बात करते हैं या कोई हम एक डायलॉग बोलते तो हमको याद आ जाता है अरे ये तो इस मूवी का है ये हीरो का राइट क्यों होता है ऐसा बिकॉज डायलॉग्स में वो पार होती है राइट right? वो एक अलग ही क्रिएटिव लेवल पे यूज किए गए होते हैं डायलॉग्स एंड दैट इज ऑल डन बाय यू नो द पीपल द एडिटर्स द राइटर्स जो भी उस चीज को स्क्रिप्ट को लिखते हैं

ये क्या चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं दैट आल्सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सेकेंड पॉइंट इज एग्जांपल ऑफ अ डायलॉग बिकॉज़ वी नीड टू सी ना कि एग्जैक्टली डायलॉग्स लिखे कैसे जाते हैं देयर आर टू डिफरेंट वेज जो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू सी इज टाइप्स ऑफ डायलॉग्स ऐसा क्यों ओके तो डायलॉग जब आप लिख रहे हो तो डिपेंड्स ना कि आप किससे बात कर रहे हो राइट right? हो सकता है आप अपने बॉस से बात कर रहे हो उस पर आपको बोल दिया कि भाई डायलॉग्स लिखो एक बॉस और एक इंप्लॉय के बीच में सिमिलरली आपको बोल दिया कि टू फ्रेंड्स के बीच में जो चिटचाट होता है उस बेस्ड डायलॉग लिख दो तो ऑब्वियसली वो डिफर करेंगे तो वो टाइप्स जो होते हैं डायलॉग एबल टू गेट की एक्सैक्टली किस तरीके के डायलॉग्स में डिफरेंसिएशन या डिफरेंसेस पाए जाते हैं वेन वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ डायलॉग्स क्लियर नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग राइटिंग भाई सीखना ही क्यों है डायलॉग राइटिंग क्यों आनी चाहिए ऐसे कुछ भी लिख देंगे जरूरत क्या है हमें

डायलॉग अब हम इस टॉपिक को या इस वर्ड को समझने के लिए हमें करना क्या चाहिए इसे डिवाइड कर देना चाहिए ठीक है कि डायलॉग होता क्या है सो है वी नीड टू गेट दी आंसर That इज roots ऑफ वर्ड डायलॉग यानी वो दो वर्ड जिनसे मिलकर बना है ये वर्ड वो कौन से है भाई डाय स लोगोस डाय का मतलब होता है थ्रू लोगोस का मींस होता है वर्ड या बोल सकते हो स्पीच ठीक है इसका मतलब थ्रू स्पीच थ्रू वर्ड्स क्या होता है कॉन्वर्जेशन तो एक तरीके का कॉन्वर्जेशन होता है बातचीत होती है क्या डायलॉग राइटिंग ठीक है जैसे कि हम जो है नॉर्मली अगर किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाले को पता करना है कि हमने क्या बात की इन्वॉल्व और वो हम प्रॉपर डायलॉग्स में लिखे हमने जो भी वर्ड्स यूज़ किए क्वेश्चन पूछे हमने कुछ पॉज लिया या हमारा क्या टोन ऑफ वॉइस था इस तरीके की चीजें हम जब पढ़ेंगे उन्हें क्या कहोगे डायलॉग राइट right? और वही डायलॉग्स पढ़ रहे हो यानी कि थ्रू स्पीच और थ्रू कॉन्वर्जेशन यू गेट टू नो अबाउट द और द कम्युनिकेशन दे हैथ तो बेसिकली थ्रू वर्ड थ्रू स्पीच वट एवर वी सी इज अनादर काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन अ सॉर्ट ऑफ अ कॉन्वर्जेशन जिसे हम कहते हैं डायलॉग क्लियर ऑल राइट अब हमें अगर इन डीप जाना है कि भाई डायलॉग क्या है डायलॉग राइटिंग क्या है लेट्स सी दैट अ डायलॉग इज अ रिटन और अ वर्बल कॉन्वर्जेशन बिटवीन पीपल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड एक्सचेंजिंग देयर आइडियाज देखो ये सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू कीप इन योर माइंड वाइल यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ डायलॉग तो यहां पे बोला गया है कि डायलॉग जो है वो एक रिटन तभी अपन लिखते हैं ठीक है ना जैसे क्वेश्चन पेपर्स में आप लिख रहे हो आंसर शीट्स में सॉरी या फिर आप किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हो तो वो क्या है वो रिटर्न फॉर्म है तो उसे हम कहेंगे की रिटर्न फॉर्म या फिर वर्बल कॉन्वर्जेशन जो बातचीत होती है दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है भाई डायलॉग ही तो हो रहे हैं वो मैंने कुछ बोला मेरा डायलॉग हो गया सेकेंड किसी पर्सन ने कुछ बोला तो दैट इज ऑल्सो हिज और हर डायलॉग सो इट कैन बी एनी है लोगों को स्पेसिफिकली दोन बी मोरटेड बाईरेंट कैरेक्टर्स यानी कि हम डायलॉग से हमें ये चीज बताना बहुत जरूरी होती है कि भाई जिन दो लोगों की बात हो रही है ना उनकी टोन उनका कैरेक्टर उनकी क्वालिटीज वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से फॉर एग्जाम्पल जब आप हाँ बात कर रहे हो एक बॉस और एक एम्प्लॉय की एक कर्मचारी की तो ऑब्वियसली उस डायलॉग में समझ आना चाहिए ना कि बॉस को भैया पावर है वो ऑर्डर दे सकते हैं और एम्प्लॉय जो है वो ऑर्डर नहीं दे सकता तो एक कोई ऐसे दो डायलॉग्स मैंने लिख दिए जहां पर लिख दिया गेट मी दैट फाइल ठीक है और एक डायलॉग लिख दिया येस सर आई विल तो यहां मैं सामने नहीं लिखूं अगर बॉस और इंप्लॉय तो भी समझ आ रहा है ना कौन सा डायलॉग किसका है बॉस का और कौन सा किसका है एम्प्लॉय का कैसे पता चल रहा है क्योंकि हमने डायलॉग्स के थ्रू इनके डिफरेंट कैरेक्टर को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को या उनकी आइडियाज को रिप्रेजेंट किया है ठीक है तो कुछ भी नहीं है डायलॉग बड़ा सिंपल सा है कॉन्वर्जेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में इट कैन बी अ रिटन फॉर्म इट कैन बी एन ओरल फॉर्म एंड ऑब्वियसली इट इज सिग्निफाइंग और इट इज रेप्रेजेंटिंग द डिफरेंट कैरेक्टर्स और उनके जो आइडियाज हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं सॉर्ट sort ऑफ of. उसी को कहते हैं हम डायलॉग क्लियर ऑल राइट जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं देखो अब ऐसा होता है ना डायलॉग्स में दो तरीके होते हैं एक तो जो हम स्कूल में फॉलो करते हैं फॉर्मेट कि हम नाम लिखते हैं कोलन लगाते हैं आगे डायलॉग लिखते हैं ठीक है दूसरा चीज क्या होता है सीधे डायलॉग लिखते हैं और हम एक सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच में लिख देते हैं ही सेड इन्वर्टेड कॉमास तरीके से ठीक है तो वो होता है दूसरा फॉर्मेट जो भी हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो नाउ दिस फर्स्ट पर्टिकुलर और अ वेरी इजी फॉर्मेट इज फर्स्ट वी राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देन वी रिप्रेजेंट देयर डायलॉग्स फॉर एग्जांपल टीचर बोलती हैं राहुल टेल मी व्हाट एम आई टीचिंग अब यहां भी क्या चीज हो रही है भाई टीचर ने राहुल से बोला है राहुल इज दी अदर कैरेक्टर कि भाई खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ ठीक है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया टू टेल कि हाँ भाई यहाँ पे क्वेश्चन किया किसने टीचर ने तो जब हम पढ़ रहे हैं ना तब एक शॉर्ट sort ऑफ of समझ आ रहा है कि उस टीचर ने कैसे बोला होगा ठीक है अगर मैं ऐसे ही बोल दू राट आर आई टीचर मजा आएगा नहीं तो डायलॉग्स आप जब लिख रहे हो ना आपको बताना चाहिए कि हाँ भाई राहुल के लिए बोला देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यानी पूछा है तो सॉर्ट sort ऑफ of वो एक टोन जो है जो एक क्वेश्चनिंग टोन है वो सुनाई देनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट वुड से मैम यू आर टीचिंग डायलॉग राइटिंग तो दिस इज अ डायलॉग ऑफ स्टूडेंट तो ही कैन नॉट बी लाइक वेरी अथॉरिटेटिव मैम यू आर टीचिंग डायलॉग राइटिंग राइट नहीं ऐसा नहीं बोल सकते तो जब हम डायलॉग्स पढ़ रहे हैं ना तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आना चाहिए कि भैया किस तरीके से बोला गया होगा

टीचर राहुल, यू नीड टू पे अटेंशन इन द क्लास। अब लास्ट स्टेटमेंट जो है राहुल ने इट्स नॉट जो, जो कि रियल है भाई, का, मतलब ये नहीं होता, ना डायलॉग क्या है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो ये जो चीज यहाँ पे बोल दी है ना कि एक्टर्स जो बोलते हैं मूवी में वो एक डायलॉग होता है इट्ल्यूटली रॉन्ग बट इट्स फनी बट नॉट फॉर द टीचर क्लियर तो इस तरीके से हम जो है डायलॉग्स को लिखते हैं अब ये तो एक छोटा मोटा एग्जाम्पल तो मैंने के बीच का है, और उनके बच्चे के बीच में कोई है, या फिर तो के बीच में है, हर टाइम पे डायलॉग्स राइटिंग चेंज होता है रूल्स चेंज नहीं, नहीं होते बट ये yes, टोन जो है वो चेंज हो जाती है कैसे वो भी हम डिस्कस करते हैं सो देर आर थ्री काइंड ऑफ डायलॉग्स वन इज फॉर्मल यानी कि जो एक तरीके का यू you नो know, जो हम बॉस और एम्प्लॉय के बीच में बता रहे हैं या टीचर स्टूडेंट के बीच में जहां हम इतने क्लोज नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें so, सोच समझ के एक रिस्पेक्टफुल भाषा में बात करनी पड़ती है उसे कहते हैं फॉर्मल डायलॉग इनफॉर्मल मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल टोटल ऑपोजिट दो फ्रेंड्स के बीच में जो हमारी बातचीत होती है यानी हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं उसे कहते हैं इनफॉर्मल और थर्ड होता है सेमी फॉर्मल यानी कि जो बिल्कुल ही फॉर्मल या बिल्कुल ही इनफॉर्मल नहीं है कहीं बीच में है इसका मतलब हो गया आपको रिस्पेक्ट भी देनी है और आप खुल के भी बात कर सकते हो दोनों चीजें जाती हैं दैट इज सेमी फॉर्मल जैसे अगर हम बात करें फॉर्मल की फॉर एग्जाम्पल डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड द स्टूडेंट ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है एक टीचर एक स्टूडेंट की बात हो रही है या इम्प्लॉय इम्प्लॉय की बात हो रही है तो हमें पता है कि भाई हमें रिस्पेक्ट भी देनी है हम हर कुछ नहीं बोल सकते हमें जो चीज़ बोलनी चाहिए वही हम बोल पाएंगे ठीक है दैट वुड बी फॉर्मल इनफॉर्मल मतलब भाई दो दोस्तों के बीच में कुछ भी चलता है कुछ भी बोल सकते हैं कोई टेंशन नहीं कोई डर नहीं दैट इज नॉट फॉर्मल सेमी फॉर्मल मतलब पेरेंट्स और बच्चे के बीच में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डर होता ही राइट ऐसे तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हम बड़े खुल के बात कर लेते हैं बट वेन वी आर लाइक यंगर बहुत छोटे होते हैं जब हम तो दैट टाइम हमें डर भी होता है अपने किसी न किसी या तो फादर से मोम से बड़ा डर लगता है और हम अपनी खुल के बात भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो उसे कहते हैं सेमी फॉर्मल जहाँ आप बिल्कुल कुछ भी बोल दो ऐसा नहीं चलेगा आपको रिस्पेक्ट देनी ही ऑब्वियसली देनी ही चाहिए साथ ही साथ आप बिल्कुल एक अच्छी तरीके से एक फ्रेंड की तरह अपनी बात रख सकते हो दैट इज वॉट फॉर्मल सो दीज आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ डायलॉग्स क्यों बढ़ रही है इसलिए नहीं कि भाई पता होना चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज समवेयर दिस फंडा इन आर माइंड यू नो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले डायलॉग है क्या वो पता चल जाना चाहिए कि हम फॉर्मल डायलॉग लिखने वाले हैं एक इनफॉर्मल की एक सेमी फॉर्मल क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज हम थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं कि फॉर्मल डायलॉग है तो हमें क्या ध्यान में रखना है डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट डायलॉग बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ठीक है कुछ भी हो सकता है कोई भी दो ऐसे लोग जो ज्यादा क्लोज नहीं है थोड़ा रिस्पेक्ट से नहीं बिल्कुल कंप्लीट रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है और सोच समझ के अपने वर्ड्स को बाहर निकालना पड़ता है अपने मुंह से ठीक है दैट वुड बी वॉट अ फॉर्मल डायलॉग इट कैन बी ईदर बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय ठीक है या फिर बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं राहुल सेज गुड मॉर्निंग मैम टीचर से गुड मॉर्निंग राहुल हाउ यू तो यहाँ क्या दिखा आपको कि हमने यहां स्टार्ट किया गुड मॉर्निंग मैम से अब जैसे आप, आप अपने किसी दोस्त से मिलते हो ठीक है बहुत टाइम बाद तो ऐसे बोलोगे क्या गुड मॉर्निंग कैसे हो नहीं है ना क्या बोलोगे हाय और भाई क्या चल रहा है ठीक है ना तो इस तरीके से यहाँ पर हम डायरेक्टली बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे हाई हाँ, हेलो की भी जरूरत नहीं पड़ती है राइट बट यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मल डायलॉग की इसका मतलब आपको ग्रीट करना आपको हेलो बोलना बहुत जरूरी है दैट टू नॉट लाइक हे हाउ आर यू व्हाट्स अप ऐसे नहीं बोलना आपको बहुत अच्छे से रेस्पेक्टफुली बोलना है क्या वट एवर दैट पार्ट ऑफ द डे इज दैट वुड बी गुड मॉर्निंग मैम राहुल को फिर टीचर आंसर करती है गुड मॉर्निंग राहुल हाउ आर यू हाउस टीचर्स डू आस्क राइट कि आप कैसे हो आप नहीं पूछ सकते हाउ आर यू मैम टीचर पूछती है बच्चों से कि हाउ आर यू राहुल सेज एम

Teacher answered, I'm also fine. I saw your project file. It is good. But I need you to mention more examples. अब एक कॉन्वर्जेशन और, और ज्यादा कंटिन्यू हो रहा है तो यहाँ पे यूज कर लिया है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ टीचर बोलती है एंड ऑबली टीचर इज गोइंग टू टेल यू प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस राइट तो टीचर क्या क्या बोला कि मैंने तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल देखी अच्छी है बट मैं सोच रही हूँ या फिर मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगी कि और एग्जाम्पल करो क्यों पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ताकि समझ आए कि भाई फॉर्मल टोन दिख रही कि नहीं दिख रही रिस्पेक्ट दिख रही कि नहीं पोलाइट है कि नहीं डायलॉग्स बिल्कुल है कुछ भी बोल दिया है क्या नहीं तो बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है कि ये क्या है एक है फॉर्मल डायलॉग क्लियर ऑल राइट देन राहुल आंसर थैंक यू फॉर द फीडबैक अब राहुल के नॉट लाइक यू नो ऐसे आर्ग्यू नहीं कर सकता वो कि अरे मैम ऐसे कैसे एग्जाम्पल ही नहीं रहे रहती मुश्किल से तो दो लिखे नहीं वो क्या बोलेंगे पहले तो थैंक यू फॉर द फीडबैक मैम थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला मेरी प्रोजेक्ट फाइल देखी और यस बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा और एग्जाम्पल्स मेंशन करने का टीचर सेड ऑल द बेस्ट राहुल इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो तो इट वुड बी इफ यू नीड ठीक है तो राहुल बोलती है टीचर जो है वो राहुल को बोलती हैं कि वेरी गुड ऑल द बेस्ट और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मुझे बताना राहुल सेज श्योर मैम टीचर से राहुल गुड टू योर क्लास राहुल थैंक यू मैम तो ऐसा नहीं राहुल सीधे चला गया ऑब्वियसली थैंक यू बोलेगा बिकॉज ये एक फॉर्मल डायलॉग क्लियर तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मल टोन को बिल्कुल लगातार यूज करते जाना है दिमाग में रखना है वाइल यू आर राइटिंग एनी फॉर्मल डायलॉग क्लियर और नेक्स्ट आर इनफॉर्मल डायलॉग्स यानी कि कोई बड़े ही क्लोज आपके हैं या फिर कोई बड़े अच्छे दोस्त हैं कजिन भी बोल सकते हो सॉर्ट sort ऑफ of जो कि यू you नो know, आपसे छोटे हैं आपकी सेम एज के हैं जहां पे आप बिल्कुल खुल के बात कर सकते हो दैट इज वॉट इज एन इनफॉर्मल डायलॉग लेट्स जस्ट सी एन एग्जाम्पल यहाँ बात हो रही है दो दोस्तों की दैट इज समीर एंड देव और आपको एक लैंग्वेज से एक टोन से ही समझ आ जाएगा कि भाई ये क्या है एक इनफॉर्मल डायलॉग है समीर सेज हे देव से देव back, hey. अब यहां पे ये जो first dialogue है, hey, देव, क्या, ये जो है, क्या बोल सकती राहुल हे मैम क्योंकि वो एक फॉर्मल डायलॉग है तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डायलॉग यू नीड टू आइडेंटिफाई भाई डायलॉग किन के बीच में हो रहा है क्लियर अब समीर जो है देव से पूछते हैं देव कैसे हो देव जस्ट बोलते हैं हे hey, उसने ये नहीं पूछा कि या उसने नहीं बोला पूछा कि भाई तुम कैसे हो? इससे क्या प्रूफ हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है पूछ ले रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग देव क्या हुआ? क्या हुआ क्या दिक्कत है भाई? तुम बड़े टेंशन में लग रहे हो यू लुक वरीड तो सॉर्ट sort ऑफ of, यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम अपने डायलॉग से यस कुछ तो दिक्कत थी भाई देव के साथ नॉट ओके ही

एक साल से ज्यादा हो गया मैंने अपने स्कूल को नहीं देखा देव सेज़ राइट आई ऑल्सो मिस हा फ्रेंड्स तो देव बोलते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम और मैं अपने दोस्तों को भी बड़ा मिस कर रहा हूं समीर आंसर आई विश एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल सून

एक फॉर्मल में देखा कि इन फॉर्मल में इसके पहले हमने एक जो छोटा सा एग्जांपल देखा था क्या चीजें दिख रही हैं कि भाई एक प्रॉपर हम बिगिनिंग कर रहे हैं ग्रीट करते हुए हेलो वलो बोलते हुए बीच में हम पूरी टोन को मेंटेन कर रहे हैं कैरेक्टर को मेंटेन कर करके रख रहे हैं कि भाई कौन बात कर कर रहा है एंड एंड हम लास्ट में भी कर रहे हैं वी आर काइंड ऑफ कीपिंग एंड एंडिंग वर्ड लाइक बाय ओके टेक केयर गो टू योर क्लास इस तरीके से ताकि कॉन्वर्जेशन जो है बीच में हमने आधा अधूरा नहीं छोड़ दिया तो अभी से हमें कुछ चीजें जो है वो ऑब्जर्व करते हुए चलनी है सो दैट जब रूल्स देखेंगे या फॉर्मेट देखेंगे तो तब नहीं होगी क्लियर ऑल राइट फाइनली जो लास्ट टाइप का डायलॉग है दैट इज वॉट सेमी फॉर्मल यानी हाफ फॉर्मल हाफ

कहीं ना कहीं एक बॉस और एक एम्प्लॉय का भी रिलेशन है दैट वुड गो इन फॉर्मल वन क्लियर फॉर एग्जाम्पल डॉटर सेज गुड मॉर्निंग पापा फादर सेज गुड मॉर्निंग डॉटर वाई यू अप सो अपली टूडे तो यहाँ पे बेटी जो है पापा से बोलती है गुड मॉर्निंग पापा ठीक है सुबह सुबह हम यही बोलते हैं ना हम विश करते हैं अपने पापा मम्मी को जो भी हम जिस भी तरीके से विश कर रहे तो? वॉक के लिए टहलने जा रही हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक लिए जा रही हूँ किसके साथ भाई के साथ इट इज गुड फॉर योर हेल्थ तो पापा और मम्मी क्या करते हैं हमेशा एनकरेज करते अच्छी बातों के लिए कुछ गलत होता है तो वो बताते हैं तो इसी तरीके से बता दिया बहुत अच्छे डायलॉग

फादर से ट्रू गो बट कम बैक ऑन टाइम लाइक एज पेरेंट्स वू राइट वो हमेशा टेंशन में रहते खाना लो टाइम पे टाइम पे घर आ जाना राइट तो वो चीज दिखाना जरूरी है डायलॉग्स में तभी तो लगेगा ना कि पापा बेटी के बीच का एक डायलॉग चल रहा है तो वो चीजें हमको ध्यान में रखनी वी नीड टू बी क्रिएटिव नहीं तो फिर जब हम मूवीज देखते हैं ना जिनके डायलॉग्स हमें बड़े अच्छे लगते हैं वाई और डायलॉग लिखा है कितने क्रिएटिव है ये बात निकलेंगे लाइक किए तो बड़े नॉर्मल से डायलॉग्स हैं ठीक है तो इसलिए डायलॉग राइटिंग में बींग क्रिएटिव आइडेंटिफाइंग वट एक्सैक्टली यू आर डूइंग इज वेरी Important. Daughter says, Yes, Papa, we will come on time for breakfast. Father says, Bye. Daughter says, Bye, Papa. तो यहाँ पे वो बोलती है हाँ पापा हम ब्रेकफास्ट के लिए नाश्ते के पहले पहले आ जाएंगे हम टाइम पे आ जाएंगे बोलना चाहिए देखा था दूसरी बात हम यहाँ पे एक तरीके का इनफॉर्मल टच भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि एक बेटी और पापा के बीच में बातचीत हो रही है दूसरी बात कहीं भी, भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि डॉटर ने कुछ इम्पोलाइट वे यूज किया हो रिस्पेक्ट ना दी हो इट इज ऑल मेंिस वॉट इज सेमी फॉर्मल क्लियर ऑल राइट

यू you नो know, वो अट्रैक्ट हो जाता है यानी कि अगर आप अच्छे डायलॉग्स लिखते हो आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो ऑब्वियसली उसको परफॉर्म करने वाले जो भी होंगे उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो बात है स्क्रिप्ट में मजा आ रहा है क्रिएटिव है ठीक है सिमिलरली जो डायलॉग्स हम सुनते हैं मूवीज में हम क्या होते हैं अगर अच्छे डायलॉग्स होते हैं तो वी वी गेट अट्रैक्टेड आर लाइक वाओ इट्स इट्स सो सो अपीलिंग नाइस कितने क्रिएटिव डायलॉग्स लिखे मजा ही आ गया और फिर जब अपन घर जाते हैं तो डायलॉग्स को रिपीट भी करते हैं ना मूवी वगैरह से आते हैं या कोई भी सीरियल वगैरह देख लो उनके जो डायलॉग्स होते हैं अलग ही समझ आता है कि हाँ भाई मेलो ड्रामा चल रहा है राइट तो डायलॉग्स अगर अच्छे होते हैं तो वो एक सॉर्ट ऑफ रीडर के लिए अच्छी चीज होती है तो अगर आपको डायलॉग राइटिंग स्किल पता होगी तभी तो अच्छे डायलॉग लिख पाओगे तो ये है पहला पॉइंट जिसकी वजह से हम डायलॉग राइटिंग स्किल्स को पढ़ते हैं सेकेंड द रीडर गेट्स मोर इन्वॉल्व इन द स्टोरी इफ़ यू हैव रिटन अ स्टोरी आप बुक लिखने की कोशिश करो कभी लाइफ में आप बुक लिखने की कोशिश करो ठीक है उसमें आपने कुछ भी लिख दिया मतलब कहीं डायलॉग्स लिखना है कहीं कॉन्वर्जेशन लिखना है कुछ बताना ही दैट शी दैट और वो चीजें आप कुछ भी लिख रहे हो एक टोन मेंटेन नहीं है क्रिएटिव नहीं है ह्यूमर नहीं है इमोशंस नहीं है तो क्या होगा कोई नहीं पढ़ेगा आपकी बुक को राइट तो इसीलिए सेकंड चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रीडर को आपकी स्टोरी में खुद इन्वॉल्व होने के लिए उसको मजा आए वो अच्छे से आपकी बुक को पूरा पढ़े और फिर ही उसको कंप्लीटली रखे कहीं पे लोगों को रेकमेंड करें उन सब चीजों के लिए क्या जरूरत है कि आपकी डायलॉग राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सिमिलरली बैड डायलॉग टेक्स अवे ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर कोई फालतू सा डायलॉग लिख दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है मजा ही नहीं आया समझ ही नहीं आया क्या लिखा है मतलब जा ही नहीं रहा कैरेक्टर के साथ तो क्या होगा बुक को बंद करने पर बिल्कुल विवश हो जाएगा रीडर राइट हिड वुड बी लाइक Let it be, नहीं पढ़ना मुझे बिल्कुल क्वालिटी नहीं है बुक की राइट नेक्स्ट द रीडर वुड प्रेफर टू क्लोज द बुक राधर देन रीडिंग इट तो एक तरीके का जो एक सार है एक जो समरी है दैट इज वॉट दैट इज द रीडर वुड बी लाइक फोर्स टू क्लोज द बुक एंड कीप इट समेर एंड ही वुड बी लाइक टेलिंग यू नो ऑल द फ्रेंड्स की ये बुक मत पढ़ना कुछ भी पढ़ना ही मत पढ़ना ठीक है क्यों क्योंकि क्यों, बड़ी क्यों, क्यों, बोरिंग है यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा डायलॉग कैसे लिखे कुछ अच्छा ही नहीं था ये मूवी मत देखना इसके डायलॉग बड़े बकवास है राइट ये सब चीजें हम क्यों बोलते हैं बिकॉज समवेयर द डायलॉग राइटिंग इज अ स्किल एंड विच एवरीबडी डज नॉट हैव तो अगर हम अभी से इसको पॉलिश करेंगे तो कहीं ना कहीं यू नो फ्यूचर में बड़ा काम आने वाला है ये तो इसीलिए डायलॉग राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल बिकॉज द रीडर जिसके लिए हम लिख रहे हैं द लिसनर द व्यूअर जिनके लिए हमने पूरी स्क्रिप्ट व्रिप्ट लिखी बुक बुक लिखी उनको मजा ही नहीं आएगा नहीं तो ठीक है सो फॉर दैट फॉर द रीजन कि द रीडर शुड नॉट लाइक गेट फोर्स टू क्लोज द बुक और डू नॉट वॉच द मूवी और नॉट रेकमेंड टू अदर पीपल दैट्स वाई वी नीड टू लर्न वॉट इज एग्जैक्टली अ डायलॉग राइटिंग स्किल क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट वी नीड टू सी रूल्स फॉर डायलॉग राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट अब एक इंट्रोडक्शन समझ आ गया है एक तरीके से समझ आ गया कि हाँ भाई क्या पढ़ने वाले हैं क्यों पढ़ने वाले राइट right? तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या रूल्स हैं जो दिमाग में रखना है वाइल्ड फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ डायलॉग क्लियर ऑल राइट नंबर वन इज अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप दैट इज आइडेंटिफिकेशन ठीक है कोई भी चीज करते हो ना मतलब अगर आप कोई बुक भी लिख रहे हो आप किसी जगह घूमने जा रहे हो कोई मूवी देख रहे हो आपको पता होना चाहिए ना एग्जैक्टली वहाँ क्यों जाना है आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एनालाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जैसे आपको अगर टॉपिक दे दिया

बहुत टाइम से नहीं मिले हैं एकदम से टकराते हैं मार्केट में और इसके बाद ये जो चीजें हैं ये तीनों हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी क्या ध्यान में रखने के लिए कि भाई जो डायलॉग्स हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा इन द बिगनिंग दे, दे आर काइंड ऑफ मेकिंग इट श्योर कि हाँ भाई ये वही दोस्त है मेरा ही दोस्त है क्योंकि एकदम से मिले हैं ठीक है दूसरी बात बहुत टाइम से मिले हैं तो ये सारी चीजें लिखने की जरूरत है लॉन्ग टाइम नो सी या बहुत टाइम हो गया यू नो देखा नहीं तुमको या फिर क्या चल रहा है लाइफ में अभी क्या कर रहे हो कहा काम करते हो ये सारी चीजें दिखाना बड़ी जरूरत पड़ेगी क्यों क्योंकि

ठीक है जैसे अगर आप लेटर्स लिखते हैं हमने फॉर्मल लेटर्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं राइट हर टाइप के फॉर्मल लेटर्स पढ़े हैं तो उसमें हमने क्या देखा है कि भाई डियर सर रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम ये सब चीजें हम जरूर लिखते हैं राइट सैल्यूटेशन इज अ पार्ट ऑफ फर जिसके मार्क्स होते हैं आपके एग्जाम्स में क्लियर क्यों होते हैं बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट भाई जब किसी को ग्रीटिंग नहीं करो फॉर एक्जाम्पल आप किसी के घर जाते हो तो बोलते हो ना नमस्ते अंकल नमस्ते आंटी किसी से घुसा तो बढ़ जाओ तो बोलते हो आंटी और नाश्ते में क्या बनाया नहीं क्यों क्योंकि ऑब्वियसली नमस्ते बोलना गुड मॉर्निंग बोलना हेलो बोलना इज समथिंग विच इज वेरी गुड फॉर स्टार्टिंग अ हेल्दी कॉन्वर्जेशन क्लियर तो आपका एक प्रॉपर स्टार्टिंग हो डायलॉग का दूसरी बात एक प्रॉपर सैल्यूटेशन हो प्रॉपरली आप यू नो किसी को ग्रीट कर रहे हो गुड मॉर्निंग हो हेलो हो या फिर हे हो डिपेंडिंग ऑन वट काइंड ऑफ डायलॉग्स यू आर यूजिंग तो इस तरीके से ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी ही है नंबर वन टॉपिक समझ गए ठीक है तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई क्या कैरेक्टर्स है किस टाइप का डायलॉग है क्या चीजें मुझे रखनी

ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज है जब आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हो डायलॉग की ठीक है एग्जाम में नहीं क्योंकि आप एक डायलॉग लिख रहे हो फिर पढ़ रहे हो फिर काट रहे हो ऐसा नहीं तो जब आप नॉर्मली डायलॉग प्रैक्टिस कर रहे हो ना लिखने की तो आप क्या करो तो जब आप एक डायलॉग लिख रहे हो यू नीड टू रीड इट ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखू हे और फिर मैं लिख रही हूं व्हाट्सअप क्लियर अब मैं इस चीज को ऐसे पढ़ू हे व्हाट्सअप तो मजा आएगा क्या नहीं और मैं हे hey, तो कहीं ना कहीं समझ आएगा कि हाँ प्रॉपर बिगनिंग लग रही है दो दोस्तों के बीच में तो मैं डायलॉग को रख सकता हूं ठीक है तो इस तरीके से जब हम डायलॉग लिखने के बाद उसे थोड़ा जोर से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या समझ आता है ना कि डायलॉग पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं डायलॉग सामने वाला सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा का, you know, कुछ है कि में लिख रहा हूं मतलब का लेके जा रहा है आप चाहते हो गे हाँ क्या वो टोन साउंड दे रही है कि नहीं दे रही है क्योंकि जब जो भी रीडर होगा आपके डायलॉग्स का वो थोड़ी ना आपके सामने बोलेगा कि हाँ मुझे नरेट करो नहीं वो सामने खुद पढ़ेंगे राइट तो डायलॉग को पढ़ने के बाद आपको समझ आ रहा है कि नहीं कि टोन प्रॉपर है कि नहीं और यू नो सूट हो रहा है कि नहीं कैरेक्टर्स पे बड़ा जरूरी है सो दैट्स यू नीड टू रीड द डायलॉग आउट लाउड फर्स्ट क्लियर नेक्स्ट अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सिचुएशन इट इज एंड अकॉर्डिंगली पोर्ट्रेट इन द टोन ऑफ द डायलॉग्स हाउ यू गोइंग टू पोट्रे कि भाई डायलॉग्स में सैडनेस है थोड़ा यू you नो know, दुखी माहौल है बड़े खुश हैं या फिर कैरेक्टर्स झगड़ा चल रहा है नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रहा है कैसे पता चलेगा ऑब्वियसली आपके डायलॉग्स के टोन से ठीक है अगर बड़ी फ्रेंडली सी बातें हो रही तो हाँ भाई लग रहा है कि हाँ बड़ा अच्छा माहौल है बड़ा नॉर्मल सा है लाइट सा मूड है अगर हम ऐसे कोई डायलॉग्स देख रहे हैं जिसमें झगड़ा हो रहा है कि वाई यू दैट वाई यू दैट ठीक है ना तो इससे हमको आर्गूमेंट का एक टोन सुनाई देगा तो डायलॉग्स में सिचुएशन क्लियर होना बहुत जरूरी है तो फर्स्ट यू आर क्लियर विद द सिचुएशन देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द रीडर ऑलो क्लियर तो आपको रीडर के माइंड में भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से क्लियर करने की आपको भी सिचुएशन समझने की जरूरत है क्लियर तो ये सारी चीजें एक साथ जाती है दे बोथ गो हैंड इन हैंड इसका मतलब की जब आप डायलॉग की सिचुएशन समझ जाते हो उसको लिखते हो उसको जोर से पढ़ते हो क्या वो सिचुएशन आपको सुनाई दे रही है क्या वो टोन क्लियर है तभी वो डायलॉग सही है डन ऑल राइट नेक्स्ट रूल इज मेक ईच कैरेक्टर साउंड डिस्टिंग इट शुड नॉट बी लाइक कि भाई टीचर और स्टूडेंट दोनों एक तरीके से बात कर रहे हैं मतलब ऐसा थोड़ी होता है टीचर का एक अलग ही लगेगा ना कि हाँ वो बड़ी हैं एक यू you नो know, उनको अथॉरिटी है वो साउंड करनी चाहिए उनके डायलॉग्स में सिमिलरली स्टूडेंट छोटा है रिस्पेक्ट देगा टीचर को वो समझ आना चाहिए डायलॉग से ऐसा नहीं कि उल्टा कर रहे हो स्टूडेंट बिल्कुल अथॉरिटी से बोल रहे हो हाँ मैम हो गया प्रोजेक्ट आप बताओ टीचर हाँ बेटा हाँ बिल्कुल ऐसा होता है क्या नहीं तो आपको यू you नो know, एक कैरेक्टर को डिस्टिंक्ट अलग साउंड करवाना है क्योंकि आपके डायलॉग सामने वाला पड़ेगा तो उसको पढ़ते से समझ आना चाहिए कि हाँ ये

फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मूवी देख रहे हो ठीक है कहीं ना कहीं हीरो और हीरोइन के बीच में लड़ाई चल रही है एकदम से चेंज होता है सीन और कहीं कुछ भी होता है मतलब कोई रोड का सीन दिखा देते हैं या कोई दो लोग की बात दिखा देते हैं रोड से फिर आते हैं हीरो हीरोइन के प्लॉट पे तो क्या हो मतलब ऐसा लगेगा ना ये डाला ही क्यों इसका कोई काम ही नहीं था राइट बट अगर ये जो सीन था वो कहीं ना कहीं इस स्टोरी को आगे लेके जा रहा है तो वो इंटरेस्टिंग साउंड करेगा तो सिमिलरली जो डायलॉग्स आप लिख रहे हो ना जो डायलॉग आपने अभी अभी लिखा वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होना चाहिए फालतू में मत लिख दो कि बस हाँ भाई नंबर बढ़ाना है लिमिट बढ़ानी है इसलिए लिखना है नहीं आपका जो डायलॉग है उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए कहीं ना कहीं वो स्टोरी को आगे लेके जाए वो बहुत जरूरी है सो ईच एंड एवरी डायलॉग शुड हैव एन इंपॉर्टेंस कि उसके बिना स्टोरी का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो डायलॉग हटा देते हो तो इनकम्प्लीट लगना चाहिए ठीक है यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है डन ऑल राइट नेक्स्ट रूल इज यूज ऑफ टेंसेज मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डायलॉग्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली ये स्कूल के बच्चों के लिए हैं जब आपको यू you नो know, कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में आप लिख रहे हो डायलॉग्स ठीक है

क्या होगा इससे गलत हो जाएगा ठीक है तो आपको ग्रामर के दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखनी है वन टेंस से यूज करो दूसरी बात सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कोई भी रूल ब्रेक नहीं होने चाहिए क्लियर और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आल्सो वी हैव सीन इन अ वेरी नाइस वे बहुत अच्छे से इन डिटेल डिस्कस किया है सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो बिकॉज यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर विद वेंसिस एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नॉट ओनली फॉर डायलॉग राइटिंग हर एक चीज में जब भी इंग्लिश प्रॉपर बोलनी है दोनों की बड़ी जरूरत पड़ती है क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज यूज रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स जरूरत पड़ रही है तो ही लिखो उन वर्ड्स को फालतू में मत लिखो मतलब इसका मतलब यही है कि हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस होना चाहिए कुछ भी नहीं लिखना है ज़रूरी नहीं मन हो रहा तो लिख दिया दूसरी बात कोशिश करो क्रिएटिव होने की थोड़ा इंटरेस्टिंग यू you नो know, uh, तरीका ढूंढने की डायलॉग लिखने की कि मतलब ऐसा कि आप कोई मूवी बना रहे हो तो ये जब स्कूल का कोई क्वेश्चन आता है तो तो ऑब्वियसली आपको यू you नो know, देखना है ध्यान से कि हाँ भाई मैं लिख किसके लिए रहा हूँ एग्जाम के लिए, लिए लिख रहा हूँ ठीक है बट अगर आप जनरली डायलॉग राइटिंग को यूज करना चाहते हो इन लाइफ तो देन ऑल्सो यू नीड टू कीप एन माइंड कि आपके जो वर्ड्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग साउंड करें

डोंट तो डोंट यूज कर लो डू नॉट लिखने की जरूरत नहीं है सिमिलरली दे हैव है तो दे वी ई तो ये आप यूज कर सकते हो सॉर्ट ऑफ यू नो ये अच्छा लगता है कब जब आप फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल डायलॉग यूज करो ठीक है सिमिलरली शुड नॉट का हो जाता है शुड तो ये कुछ वेज हैं कॉन्ट्रैक्शन हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने डायलॉग्स में सो दैट यू नो आपका एक अलग लगे डायलॉग इनफॉर्मल है तो साउंड करे सिमिलरली यू नो सेमी फॉर्मल है तो भी आप यूज कर सकते हो सो दिस इज वन मोर रूल दैट यू कैन कीप इन माइंड डू नॉट यूज इट इन फॉर्मल दिस इज माई सजेशन क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज कीप योर डायलॉग ब्रीफ एंड इंपैक्टफुल ज्यादा लंबे डायलॉग्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल ऐसे पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है इतना बड़ा डायलॉग मत बोलना ऐसे मतलब मोनोलॉग्स होते हैं ना जो मूवीज में बड़े चलते हैं मोनोलॉग बोला है तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में एक मोनोलॉग तो आई गया होगा तो मोनोलॉग्स बड़े फेमस हो जाते हैं एक्टर्स के राइट right? वो अलग बात हो गई जब स्क्रिप्ट लिखना है एक बड़ा सा डायलॉग लिखना है दैट इज अ गुड थिंग बट जब आप स्कूल के लिए लिख रहे हो या आप नॉर्मली कुछ डायलॉग प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई टू तो कीप इट शॉर्ट छोटा लिखो ब्रीफ लिखो एंड ऑल्सो इट शुड भी इंपैक्टफुल एक इंपैक्ट पढ़ना चाहिए एक असर पड़ना चाहिए रीडर के माइंड पर कुछ भी हो ऐस जरूरी नहीं है ऑलवेज रिमेंबर द कैरेक्टर वाइल राइटिंग द डायलॉग रिस्पेक्टिवली वेरी इंपॉर्टेंट हम जो है अभी इसके पहले डायलॉग देखा हमने सिचुएशन याद रखो और आइडेंटिफाई करो टॉपिक को फिर लिखना चालू करो फिर कहीं ना कहीं तीन चार डायलॉग के बाद हम ये बात भूल जाते हैं तो ये एक चीज याद दिलाने की आपको रिमाइंडर है नॉकनोक क्या है भाई की हमेशा कैरेक्टर को ध्यान में रखो वाइल्ड राइटिंग डायलॉग कि भाई हाँ अच्छा ठीक है मैं एक यू नो you know, दोस्तों के बारे में लिख रहा हूँ और ये दोस्त थोड़ा खड़ूस सा है तो मुझे ऐसे लिखना है डायलॉग हाँ ये बड़ा पोलाइट है तो ऐसे लिखना है तो कैरेक्टर्स को जो है आप कैसे बताओगे कि हाँ भाई कैरेक्टर में डिफरेंस है नहीं तो दोनों सेम साउंड करेंगे कैसे बताओगे उनके डायलॉग से डायलॉग कैसे पता चलेंगे आपको जब आप खुद समझ जाओ ना कि कैरेक्टर में डिफरेंस है क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज डोंट मेक इट कंफ्यूजिंग द रीडर क्यों इतने सारे रूल्स देख रहे हैं बिकॉज ये सारी गलतियां हम करते हैं डायलॉग लिखते क्या है? बड़ा सा बना देते हैं और जो रीडर होता उसको लगता है, कि क्या बोलना चाह रहा है मतलब पहले बोला ग्रीट किया ठीक है फिर किसी टॉपिक पे आ गए हो क्या रहा है? बड़ा है ठीक है तो वो चीज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए आपके डायलॉग्स हाँ नेक्स्ट ये क्यों बोला ये क्यों बोला क्लियर good dialogue is well punctuated. This is very important और punctuation पे हम पूरा देखेंगे format में ठीक है तो punctuation का बड़ा important role है कहा इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने कहां सिंगल कोटेशन रखना है पंचुएशन कहां आएगा कोटेशन के अंदर बाहर ये सारी चीजें हम देखेंगे तो वेल पंचुएटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इट्स की फॉर गुड डायलॉग्स क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज ऑलवेज हैवे प्रॉपर एंडिंग ऑफ द डायलॉग्स द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट इज कि हमेशा अच्छे से एंड करो जैसे बाय बोल दिया थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे ऐसा करके थैंक यू फॉर आस्किंग थैंक यू फॉर योर फीडबैक ये जो है डिफरेंट तरीके होते हैं आपको यू नो डायलॉग्स को एंड करने के अब ये कैसे समझोगे देखो ये सारे रूल्स पढ़ तो लिए खत्म हो गया भैया लास्ट रूल था ये रूल्स को फॉलो कैसे करोगे जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे डायलॉग्स पढ़ो यू you नो know, जाओ इंटरनेट पे सर्च करो भरमार लगी पड़ी है डायलॉग्स की ट्राई टू रीड देम आउट सोदार आपको समझ आए कि हाँ हाँ इन तरीके के डायलॉग्स होते हैं देखो यहाँ पे क्या पंचुएशन यूज किया किस तरीके से एंडिंग हुई है किस तरीके से बिगिनिंग uh, हुई है तो सौदा आपके पास डिफरेंट बिगनिंग्स डिफरेंट एंडिंग्स होंगी क्लियर तो आर द रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है वाइल राइटिंग एनी काइंड ऑफ डायलॉग क्लियर ऑल राइट अब हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ डायलॉग राइटिंग अब फॉर्मेट का मतलब ये नहीं है कि भाई डब्बा बनाना है इस तरीके की चीजें लिखनी नहीं मतलब क्या एग्जैक्टली यू नो रूल्स हैं सॉर्ट ऑफ रूल्स ही हैं ये बट रिलेटेड है विद द पंचुएशन एग्जैक्टली कहाँ कॉमा आता है कहां पे इन्वर्टेड कॉमाज आते हैं तो ये फॉर्मेट का ही पार्ट हो गया ठीक है इसीलिए वी आर यू नो कवरिंग दिस इन द टॉपिक फॉर्मेट ऑफ डायलॉग राइटिंग अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप नाम लिख रहे हो जैसे आपने नेम लिखा कोलन लगाया ठीक है कोलन लगाया आपने इस तरीके से डायलॉग लिखा अब दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से लिख दो ठीक है देखो क्या डिफरेंस है ये पहला आपका नाम था जो भी फॉर एग्जांपल ये कुछ भी है ये राहुल है मेरा फेवरेट नाम ठीक है ना कुछ भी लिखा है सुनीता लिखा है कुछ भी तो उसके जस्ट नीचे आप कोशिश करो कि जो कोलन है ना वो नीचे ही आए ठीक है क्योंकि कोलन इधर शिफ्ट हो गया ना ये बहुत गलत चीज है तो जब आप ये यूज करो कोशिश करो कि आप कोलन को हमेशा एक के नीचे एक रखो यानी आप लाइन तो छोड़ोगे ऑब्वियसली जब नया कैरेक्टर आता है तो नए डायलॉग के लिए लाइन छोड़ते हैं बट ये ध्यान में रखना है कि कोलन जो है वो नीचे है इस तरीके से कहीं पर भी डांस कर रहे हैं कोलन ये नहीं चलेगा क्लियर जैसे मैंने भी जितने अभी तक डायलॉग्स आपको दिखा अगर आप देखोगे हमने जितने भी अभी तक एग्जाम्पल्स की बात की है कहीं ना कहीं नाम को जो है मैंने भली स्पेस देके लिख दिया है है, 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 क्या? नीचे हैं एक दूसरे के क्योंकि ये अच्छा लगता है, neat लगता है, presentable लगता है. कहीं भी कोलन जाके डांस कर रहे हैं तो क्या होगा इससे बहुत गंदा सा इंपैक्ट पड़ेगा सो यू नीड टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट टू कि भाई जब भी कैरेक्टर चेंज कर रहे हो या स्पीकर जो भी है वो चेंज कर रहे हो

हमें पता है कि ये नेक्स्ट डायलॉग जो है वो दूसरे स्पीकर का है तो एक साथ क्यों लिख दिया तो ये क्या है गलत है सही तरीका क्या है आर यू गोइंग टू द मार्केट राहुल आज इज द फर्स्ट डायलॉग अब डायलॉग चेंज हो रहा है अब कोई और बात करेगा तो आपने छोड़ दी लाइन एंड देन यू यूज्ड यस आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग सेड मधु ठीक है तो इस तरीके से नए पैराग्राफ को बिगिन करना पड़ेगा या फिर नई लाइन से आपको लिखना पड़ेगा क्या दूसरे स्पीकर का डायलॉग बहुत ऑब्वियस चीज है ये बट कहीं ना कहीं यू नो ये गलतियां भी देखने को मिलती है कोटेशन मार्क्स right. बहुत इंपॉर्टेंट मैंने उसमें जो हम रूल्स देख रहे थे तो लास्ट में क्या लिखा था कि गुड डायलॉग्स आर वेरी वेल पंचुएटेड राइट तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि पंचुएशन मार्क्स जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर होने चाहिए ये सिर्फ डायलॉग राइटिंग के लिए नहीं है यह जनरली भी हमें चीज ध्यान में रखनी है अब पता होना चाहिए ना पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं तभी तो यूज कर पाओगे इस 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 फॉर्मेट को को या रूल तो नंबर वन इज पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं सिंबल यूज टू शो हाउ अ सेंटेंस मस्ट बी रेड एंड टू मेक इट क्लियर यानी जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं कहीं फुल स्टॉप लग गया इसका मतलब रुक जाओ राइट right? कहीं कॉमा लगा मतलब थोड़ा पॉज ले लो क्वेश्चन मार्क है तो भाई क्वेश्चन वाली टोन से पूछना है एक्सक्लेमेशन है तो वो एक एक्सक्लेमेटरी वाला टोन दिखाना है हुरे! मतलब खुशी दिखनी चाहिए सैड हो तो वो वाला एक्सक्लेमेशन तो ये सारे जो पंचुएशन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं किस तरीके से सेंटेंस को पढ़ना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क ये सब क्या होते हैं ये सब होते हैं पंचुएशन मार्क्स ठीक है यानी पहली चीज ये जो पंचुएशन है इसका मतलब क्वेश्चन मार्क कॉमा फुल स्टॉप ठीक है दे मस्ट बी इनसाइड द कोटेशन मार्क्स अब कोटेशन क्या होता है कोटेशन का मतलब समथिंग दैट इज यूज्ड टू कोट कि हाँ भाई स्पेसिफिकली हम ये पढ़ रहे हैं ठीक है अब मेरे ये जो इशारा से समझ आ गया होगा हम इनवर्टेड कॉमास की बात कर रहे हैं तो ये जो तरीका होता है ना इनवर्टेड कॉमास बीच में कुछ लिखते हैं फिर इनवर्टेड कॉमास इसको कहते हो कोटेशन यानी कि कुछ भी लिखा ठीक है ये कोटेशन है आपको क्या बोला है कि पंचुएशन अंदर होना चाहिए यानी पहले क्वेश्चन मार्क आएगा फिर आएगा इसको कोटेशन को बंद करना जो कि बड़ा ऑब्वियस भी है क्योंकि सेंटेंस को हम कोटेशन मार्क के अंदर रख रहे हैं और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस का पार्ट है इसीलिए कोई भी पंचुएशन कोटेशन के अंदर होना चाहिए क्लियर तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल पूजा सर आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ

इन्वर्टेड कॉमास हम सिंगल इनवर्टेड कॉमा को यूज करना चाहते हैं कब यूज करते हैं जब एक डायलॉग के अंदर दूसरा डायलॉग है कैसे फॉर एग्जाम्पल राधा टोल्ड मी राधा ने मुझे बताया था तनुज, said कि तनुज ने क्या बोला यानी तनुज ने जो बोला वो डायलॉग के भी अंदर एक डायलॉग है ना इसीलिए मॉल इज आउटडेटेड वॉज सेट बाय तनुज एंड राहुल हमें ये बता रहा है ठीक है कि राहुल ने मुझे बताया था कि तनुज ने बोला था तो जो तनुज ने बोला था वो क्या है इट इज समथिंग विच इज कोटेड इन साइड अनादर डायलॉग ठीक है ना तो एक डायलॉग जो है ऑलरेडी है और उसी के अंदर एक और डायलॉग डाल दिया है इसीलिए ये तनुज सेट जो है वो हमारा ओरिजिनल डायलॉग है तो वो आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स में कोटेशन में और सिंगल कोटेशन कब यूज कर रहे हो जब एक और डायलॉग डायलॉग के अंदर यूज किया गया है द ड्रेस फ्रॉम द मॉल इज आउटडेटेड क्लियर तो सिंगल कोटेशन से बंद किया और फिर डबल कोटेशन जो है वो तो उससे तो हम एंड करेंगे तो इस तरीके से सिंगल कोट भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है क्यों देखने को मिलता है क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा होता है कि समथिंग इज बीन कोटेड इन साइड द डायलॉग अगेन क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज डायलॉग टैग गोज आउटसाइड द कोटेशन डायलॉग टैग क्या होता है कि किसने बोला डायलॉग

ये बता रहे हैं कि चारू ने पूछा यानी कौन बात कर रहा है चारू कर रही है तो चारू आस्ट जो है ये होता है डायलॉग टैग और ये हमेशा कोटेशन के बाहर जाता है तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच देख चुके हो तो ये भी बड़े इजीली समझा जाएगा तो चारू आस्ड कॉमा दिस इज दिस इज अ पैटर्न व्हाट इज द डायलॉग वेयर इज सीमा स्टार्टिंग दिस वाज समथिंग व्हिच वाज आस्क्ड बाय चारू क्योंकि वंचुएशन क्वेश्चन मार्क है ये कोटेशन के अंदर होगा पर जो डायलॉग टैग है वो कोटेशन के वारेक् बाहर होगा क्लियर तो कभी भी कोटेशन या जो इन्वर्टेड कॉमर्स है चारों से मैं स्टार्ट करना वो आपके डायलॉग से ही स्टार्ट होंगे डन ऑल राइट नेक्स्ट इज एम डैशे इंडिकेट इंटरप्शन वॉट इज एन एम डैश इस तरीके का साइन दिख रहा है ना आपको ये डैश ऐसा होता है M के थो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है तो ये ध्यान में रखना है। तो जब भी कोई भी डायलॉग आप देखो लिटरेचर का कोई स्टोरी वोरी पढ़ो तो कई जगह पर ऐसे डैश लगे होते हैं एम डैशेस क्यों यूज करते हैं वो इंटरप्शन दिखाने के लिए कि कुछ रुकावट आई कैसे फॉर एग्जाम्पल लुक ओवर देर वॉट अ ब्यूटिफुल व्यू यानी कि यहाँ पर ये जो एम डैश है है ना ये ये बता रहा है कि एक डायलॉग बोला स्पीकर ने और फिर वो रुक गया कुछ इंटरप्शन था कुछ रुकावट थी और फिर दूसरा डायलॉग बोला या कंटिन्यू किया तो लुक ओवर और कुछ देखकर रुक गया गया खामोश हो कैसे बताया एम डैश से फिर कंटिन्यू करते हुए क्या बोला अ ओवरफुल व्यू यानी बहुत खूबसूरत सा व्यू था कोई पहाड़ पे खड़े बहुत अच्छा सा व्यू है फॉगी सा वो देखकर जो है आंखें खुली खुली रह गई और मुंह खुला खुला रह गया और शांत हो गया स्पीकर तो कैसे पता चल रहा है वो वो पता चल रहा है एम डैश से तो क्योंकि डायलॉग में एक वो चीज दिखनी चाहिए ना कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो बताने के लिए ऐसे यूज किया जाता है एम डैश को क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज नो एडिशनल पंचुएशन इज एडेड एडवाइड यूजिंग

के लिए एलिप्सिस को यूज किया जाता है अब ये नहीं यहां पे देखना है कि एलिप्सिस क्यों है क्या है ये है कि एलिप्सिस के बाद एडिशनल पंचुएशन की जरूरत नहीं है कि फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क इस सब की जरूरत नहीं होती है डू यू नो एनी गुड प्लेस हेयर ही आस्ट मी थिंक द बेस्ट प्लेस इज ABC ब्रिज आए सर तो पहला डायलॉग था डू यू नो एनी गुड प्लेस एर क्या तुम्हें कोई गुड प्लेस पता है यहां पे पंचुएशन है अंदर फिर कोटेशन है डायलॉग टैग बाहर है ये ध्यान में रखना है ठीक है लेट मी थिंक फिर वो सोच रहा है फिर पॉज लिया ना सोच रहा है तो टाइम तो लगेगा वो कैसे दिखा देखो तीन डॉट से से ठीक है तो इसे कहते हैं एलिप्सिस का यूज एक पॉज दिखाने के लिए अब एक एलिप्सिस लगा दिया जरूरी नहीं फुल स्टॉप के लिए आपने एक और डॉट लगा दिया या आपने एक्सक्लेमेशन लगा दिया या आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया नहीं कोई भी पंचुएशन की जरूरत नहीं है जब आपने इलिप्सिस लगा दिया चूंकि ऑब्वियस है बट यस हमें पता होना चाहिए और फिर वो थोड़ा सोचकर पॉज लेने के बाद कंटिन्यू करके बोलते हैं द बेस्ट प्लेस हेयर इज ए बी सी ब्रिज देन आई है. तो बे, best place क्या है हाँ पे? IBC, ABC bridge है है पे जो भी ऐसे बोल दिया नाम और कोटेशन डायलॉग टाग बाहर तो ये सारी चीजें जो ध्यान में रखनी है क्लियर ऑल राइट नाउ वी आर डन विद एवरीथिंग ठीक है डायलॉग्स क्या है रूल्स क्या है क्यों पढ़ना है डायलॉग राइटिंग फॉर्मेट का क्या पार्ट है क्या चीजें ध्यान में रखनी है अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस अब हम देखने वाले हैं कुछ टाइप्स कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या फिर किस तरीके के नॉर्मली हमें डायलॉग्स लिखने चाहिए ठीक है तो पहली चीज हम जो देख रहे हैं दैट इज इज हेयर अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन मीरा एंड हर मदर तो ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि मीरा और उनकी मॉम के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रहा है ठीक है अब जितने भी रूल्स मैंने पढ़ाए ना वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो हमें देखना है चेक करना है कि किस तरीके से आपको इन रूल्स को देखना है या फॉलो करना है जैसे मीरा आज her mother, when will brother come home? तो यहाँ पर हम कोलन वाला फॉर्मेट नहीं हम नॉर्मल फॉर्मेट यूज कर रहे हैं जनरली आउट ऑफ स्कूल सिलेबस यूज किया जाता है उसकी बात हो रही है तो मीरा ने अपनी मॉम से पूछा देन कॉमा कोटेशन स्टार्ट हुआ ये डायलॉग टैग था वो बाहर है ठीक है रूल फॉलोड फिर हमने कोट किया वेन विल ब्रादर कम हो भाई कब घर आएंगे और फिर क्वेश्चन मार्क अंदर कोटेशन बाहर ठीक है यानी कि ये टोन क्या है समझ आ रहा है कि मीरा क्वेश्चन कर रही है आई सर Soon your brother would come home. I was confused for a moment at the thought of answering her question. अब यहां पर ये चीज़ एक्स्ट्रा है, अब इसे कहीं पे ब्रैकेट्स में भी दिखाया जाता है कि क्या हमारा मूड था ठीक है वो भी सही है वो गलत नहीं है अगर ब्रैकेट में भी दिखा रहे तो ठीक है तो ये एग्जैक्टली exactly क्या सोच रही थी उनकी मॉम, या अलग से एक और कोट करते हुए बता रही है कि मैं इस वक्त कंफ्यूज थी जब मैं ये क्वेश्चन आंसर करने का सोच रही थी और फिर उन्होंने आंसर क्या किया आई सेर सून योर ब्रदर वुड कम होम फुल स्टॉप अंदर है कोटेशन बाहर है ठीक है बट यू वुड बी होम बिफोर लंच टाइम एंड इट्स ऑलरेडी डिनर टाइम मीरा क्राइट अब मीरा जो है वो रो रही है कैसे पता चला लिखा है डायलॉग टैग है और यहां पर उसने थोड़ा रुक के बोला बट और फिर वो थोड़ी सैड हो गई कैसे पता चला इलिप्सिस दिखा दिए पॉज है ठीक है इलिप्सिस के बाद कुछ डाला क्या एक्सप्लेमेशन वगैरह नहीं यू सैड ही वुड बी होम बिफोर लंच टाइम आपने तो कहा था वो लंच टाइम के पहले आ जाएंगे बट अभी तो डिनर टाइम भी हो गया है मतलब बहुत लेट हो गया है वो अभी तक नहीं आए और क्योंकि उनके भाई अभी तक नहीं आए लेट हो गए हैं तो इसीलिए रो रहे हैं कौन मीरा I said, I know, dear. I tried to console her, but we need to wait for him. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये बता रही हैं जो मीरा की मोम है कि उन्होंने क्या बोला कि हाँ मुझे पता है I know, dear. Dear यूज किया टू तो शो दैट लव फॉर द डॉटर ठीक है ये होता है डायलॉग्स में थोड़ा टच डालना ठीक है अब यहाँ पर वो क्या चीज कर रही हैं अगेन उन्होंने क्या कोशिश की आई ट्राई टू कंसोल हर उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश की क्योंकि वो रो रही है चाहो जैसे ब्रैकेट में भी मैंशन कर सकते हो कि exactly स्टोरी में क्या चल रहा है क्लियर बट वी नीड टू वेट फॉर हेम बट हमें उसका वेट करना पड़ेगा मुझे पता है मैंने बोला था लंच टाइम के पहले पर आ जाएगा बट हमें उसका वेट करना पड़ेगा ओके मॉम सैड मीरा विथ अ सैड

सेकेंड जो है आपका ये आपका सॉर्ट sort ऑफ of ऐसा क्वेश्चन जैसे स्कूल में दे दिया हो वो हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कल्पना आर फ्रेंड्स कल्पना नुपुर फ्रेंड्स हैं तो क्या हो गया भाई फॉर्मल है कि इनफॉर्मल इनफॉर्मल ठीक है कल्पना वॉज रीडिंग समथिंग अबाउट कोविड 19 कल्पना कुछ कोविड के बारे में पढ़ रही थी और आपको इनके में पढ़ना है कल्पना पढ़ रही है, -19 के बारे में. और नुपुर जो इसकी है. अब आपके ऊपर है आप इस कोविड नाइनटीन वाली बात को किस तरीके से यूज करो इन दर डायलॉग्स ठीक है चलिए एग्जाम्पल देखते हैं नुपुर says, hey, says, तो नुपुर अपनी फ्रेंड से पूछती है भाई, हे कैसी हो तुम क्या क्या हालचाल

ग्रेट इफ यू कैन शेयर द इनफॉर्मेशन विथ अब आपके ऊपर था ना आप डायलॉग को किस तरीके से फॉर्म करते हो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिख दोगे कोविड नाइनटीन के बारे में पढ़ा आगे क्या राइट right, तो आपने स्टोरी क्या सोची हाँ पर कि कल्पना और के बीच में हम दिखा देते हैं कि जैसे को कुछ नहीं पता और वो कल्पना से पूछ रही है मुझे बताओ ना क्या पढ़ रही हूँ तो नुपुर बोलती है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई कोविड नाइनटीन के बारे में और बहुत अच्छा होगा अगर तुम मुझसे भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हो तो कल्पना सेज आई आई विल टेल यू एवरीथिंग हैव रेड अबाउट कोविड कोविडीन इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज बाय कोरोना वायरस तो वो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी कोविड नाइन्टीन के बारे में सबसे पहली चीज इसमें क्या दी हुई है कि ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है फैलती है ये और ये कौन कर रहा है भाई कौन स्प्रेड कर रहा है कौन कॉज करता है कोरोना वायरस

ठीक है तो यहां पे या लिखा है तो ये बता रहा है इनफॉर्मल टोन ये या आप टीचर के साथ यूज नहीं कर सकते बॉस के साथ यूज नहीं करोगे राइट यस यूज करोगे तो इस तरीके से आप ये बता रहे हो कि हां भाई दो दोस्तों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है नोपर सेज दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल आई यूज दिस टू राइट माय आंसर्स ऑन कोविड नाइनटीन अरे वाह य तो बहुत अच्छी इनफॉर्मेशन है और अगर मुझे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको कोविड नाइनटीन पे बेस्ड आंसर्स लिखने में यूज करूंगी कल्पना सेज यू कैन आल्सो मेंशन अबाउट द सेफ्टी मेजर्स वन शुड फॉलो अब यहाँ पर कल्पना बोलती है हाँ अच्छी बात है और तुम और भी चीजें मैंशन कर सकती हो कि क्या वो सेफ्टी मेजर्स हैं क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो एक इंसान को लेना चाहिए टू सेव हिमसेल्फर herself फ्रॉम कोविड 19 येस दैट्स अ ग्रेट सजेशन बट आई हैव नो आइडिया अबाउट अब ऑलरेडी एक चीज बोल चुके हो ना कि कैन यू टेल मी समथिंग एल्स अबाउट इट बहुत ज्यादा रिपीट करने से अच्छा क्या होगा कि यहाँ लिख दे कि हाँ ये बहुत अच्छा सजेशन है बट मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका मतलब मुझे बताओ कि क्या लिखू है कल्पना सेज डोंट वरी आई विल टेल यू सम वी मस्ट ऑलवेज कवर आर फेस वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग वेर अ मास्क एंड सैनिटाइज आर हैंड्स फ्रीक्वेंटली सो बेसिक से जो सिम जो मेजर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए कल्पना ने सो यू जस्ट सी द वे वी आर राइटिंग दी डायलॉग्स ये थोड़े ज्यादा हो गए हैं वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी अगर स्कूल का क्वेश्चन है तो बट जनरली डायलॉग्स लिख रहे हो तो येस यू कैन गो लाइक दिस तो ये एक तरीके का एक्जाम्पल है आपको किस तरीके से यूज करना अपने थॉट्स को क्रिएटिवली आप किस तरीके से डायलॉग्स को पोर्ट्रेट कर सकते हो ठीक है ऑल राइट नुपुर से थैंक यू फॉर शेयरिंग द इनफॉर्मेशन विद मी आई एम रियली हैप्पी टू नो ऑल द इनफॉर्मेशन फिर हम ऐसे ही बोलते ना दोस्तों को या, Thank you यार थैंक यू यार अच्छी बात बताई बड़ा अच्छा लगा ये सब जान के तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे कि थैंक यू फॉर शेयरिंग द इफॉर्मेशन और मुझे बहुत ये अच्छा लगा जानकर एंड इट्स रियली वेरी हेल्पफुल कल्पना सेज इट्स माय प्लेजर नुपुर इफ यू वांट टू नो एनीथिंग थी एल्स यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर मेरा प्लेजर है भाई ठीक है इट्स ऑल गुड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन और अगर कुछ और जानना हो क्योंकि उसको आंसर लिखने है ना ठीक है तो कुछ भी और पूछना हो मेरे नंबर पे कॉल करना फ्रेंड्स है तो नंबर तो होगा ही नुपुर सेज ओके आई विल कॉल यू नाउ हैव टू गो बाय अब नुपुर बोलती है बिल्कुल मैं कॉल करूंगी अब मुझे जाना है बाय कलना से बाय तो इस तरीके से आपने एक एंडिंग भी कर दी और आपने बिल्कुल प्रॉपरली यूज भी कर लिया आर्टिकल वाली बात को बता भी दिया उस टॉपिक के बारे में और ये भी पोर्ट्रे कर दिया कि दो फ्रेंड्स के बारे में ही बातचीत हो रही है दो फ्रेंड्स के बीच में ही बातचीत हो रही है कोई बॉस इंप्लॉय के बीच में नहीं हो रही क्लियर ऑल राइट फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आपको स्कूल में जो डायलॉग्स हैं उनको इनकम्प्लीट हो और उसको कंप्लीट करने का टास्क दिया जाता है राइट बिलो आर द डायलॉग्स बिटवीन अ होटल रिसेप्शनिस्ट एंड अ गेस्ट तो हम पहुंच गए हैं होटल वहां पर एक गेस्ट जाते हैं भाई बुक वुक करने रूम और वहाँ रिसेप्शनिस्ट से वो बात कर रहे हैं तो ये एक कॉन्वर्जेशन हो रहा है रीड द डायलॉग्स एंड कंप्लीट कम्प्लीट वेरी इंपॉर्टेंट जब भी इनकम्प्लीट डायलॉग्स होते हैं तो आपको पहले का और बाद का डायलॉग पढ़ना बड़ा जरूरी है तभी तो समझ आएगा कि इस इनकम्प्लीट या ब्लैंक में मैं क्या लिख सकता हूं क्लियर ऑल राइट सो द क्वेश्चन इज रिसेप्शनिस्ट सेज गुड मॉर्निंग सर वेलकम टू होटल अशोका तो रिसेप्शनिस्ट क्या बोलेंगे भाई कभी कोई गेस्ट जाता है तो रिसेप्शनिस्ट यही बोलता है ना या फिर वेलकम करते हैं कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर तो यहाँ पे अगर ब्लैंक होता ग्रीट करने का तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून यही सब आएगा ठीक है वेलकम टू होटल अशोका भाई आपका होटल अशोका में स्वागत है गेस्ट सर हेलो डैश आई वुड लाइक टू बुक अ रूम इन योर होटल फॉर टू डेज तो गेस्ट ने कुछ रिप्लाई किया होगा गुड मॉर्निंग का वेलकम का वो आपको यहाँ मेंशन करना है ठीक है और फिर मुझे आपके होटल में एक रूम बुक करना है कितने दिनों के लिए दो दिन के लिए पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई रिसेप्शनिस्ट सेज ओके सर मे आई नो डैश अब वो कुछ पूछ रही है व्हाट डज शी वांट टू नो आल्सो बिकॉज इट्स अ डायलॉग नॉट बिटवीन टू फ्रेंड्स इट्स अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल डायलॉग

ओके सर काइंडली गिव मी अ मिनट टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम्स ऑब्वियसली उनको याद तो रहेगा नहीं इतना होटल होता है तो वो चेक करेंगे कि हाँ इस डेट पे अवेलेबिलिटी है या नहीं रूम्स की गेस्ट बोलते हैं श्योर यानी ऑब्वियसली आप अपना टाइम लीजिए रिसेप्शन सर मे आई नो डैश अब वो एक और चीज पूछ रही है क्या वो हमें नेक्स्ट डायलॉग से पता चलेगा आई वुड बी स्टेइंग अलोन आई हैव एन ऑफिशियल मीटिंग इन द सिटी यानी क्या आप कितने लोगों के साथ स्टे करेंगे उस हिसाब से रूम देना पड़ेगा ना आप कुछ और के साथ आ रहे हैं आपकी फैमिली आ रही है आप अकेले रहेंगे वो चीज यहाँ पे उन्होंने पूछी रिसेप्शनिस्ट सेड थैंक यू फॉर द इनफॉर्मेशन सर देन डैश फिर वो कुछ चीज बोलती हैं अब वो क्या है वो हमें नेक्स्ट डायलॉग से पता चलेगा अ रूम विदाउट अ बालकनी वुड डू यानी वो पूछ रही हैं कि आपको रूम विथ with या विदाउट बालकनी चाहिए तो इनकम्प्लीट डायलॉग थोड़े ईजी पड़ जाते हैं क्योंकि आपको नेक्स्ट डायलॉग से पता चल जाता है प्रीवियस डायलॉग से पता चल जाता है कि सामने वाले को क्या यहाँ पे बातचीत हो रही है क्या पूछ रहे हैं मुझे यहाँ पे क्या फिल करना है रिससेप्शनिस्ट सर ओके सर द रूम फॉर टू डेज वुड कॉस्ट फाइव थाउजेंड सर मे आई नो द नेम अंडर विच द रिजर्वेशन इज टू बी मेड सर यानी कि रूम जो है वो पाँच हजार का होगा भाई कॉस्ट और आप मुझे अपना नाम बता दीजिए किसके नाम के अंडर ये रूम रिजर्वेशन करनी है गेस्ट सर या श्योर अभिषेक वर्मा वो अपना नाम बताते हैं रिसेप्पनिस्ट फिर कुछ पूछती हैं और गेस्ट क्या बता रहे हैं भाई देखो दस नंबर है मोबाइल नंबर है यानी वो कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रही है तो आपको वही मैं आई नो योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स योर फोन नंबर इस तरीके से रिसेप्शनिस्ट है सर वु यू लाइक टू मेक द पेमेंट सर अब आप क्या पेमेंट अभी करना चाहेंगे यानी डायरेक्टली वो पूछ रही है आप रहने आएंगे तब देंगे कि अभी से आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं गेस्ट कुछ आंसर

टू होटल अशोका गुड मॉर्निंग बोला तो गेस्ट जो है इसका कुछ रिप्लाई करेंगे मैंने बोला ना तो उन्होंने बोला हेलो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई किया नेक्स्ट ओके सर मे आई नो डैश क्योंकि हमें पता उन्होंने पूछी हैं रूम फॉर तो क्या मुझे बताएंगे जिस दिन के लिए आपको ये रूम चाहिए ओके okay, सर sure. so, हमें पता है कितने लोगों की बात पूछी है ना तभी तो उन्होंने बोला आई वुड बी स्टेइंग

देन नेक्स्ट यहाँ पे ब्लैंक है तो हमें पता है नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर है सो इट वुड बी सर मे आई काइंडली नो योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज या मे आई काइंडली नो द फोन नंबर और द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो यह उन्होंने नंबर बता दिया सर हाउ वुड यू लाइक टू मेक द पेमेंट सर आई वुड पे द कैश अब गेस्ट जो है वो आंसर करेंगे देखो अब ये डिपेंड करता है आपको किस तरीके से मैंशन करना है हाउ डू लाइक टू मेक द पेमेंट सर तो गेस्ट बोल सकते हैं आई वुड पे इट वेन आई वुड कम या फिर आई would यूज अ डेबिट कार्ड और आई वुड पे इट बाई यू नो ऑनलाइन या आई वुड पे द कैश ठीक है तो जिस तरीके से भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे मैंशन कर दोगे नेक्स्ट ब्लैंक क्या है ग्रेट थैंक यू सो मच माय प्लेजर सर हैव अ नाइस डे अब डैश है बीच में और गेस्ट ने सिर्फ थैंक यू बोला यानी यहाँ पे कुछ ऐसा बोलना है आपको जो कि इससे लिंक करे ठीक है तो देखो हमने माय प्लेजर सर बोल दिया रिसेप्शनिस्ट ने हैव अ नाइस डे बोल दिया है यानी वो यहाँ पे क्या बोलेंगी हमेशा अगर आप कभी गए हो होटल रूम बुक करने या कभी वेकेशन पे गए हो तो देखा होगा आपने लास्ट में जरूर बोलते हैं कि यू नो थैंक यू फॉर विजिटिंग आर प्लेस या फिर यू नो थैंक यू फॉर कमिंग तो थैंक यू फॉर विजिटिंग होटल अशोका बिकॉज ये नाम दिया हुआ है इन द बिगनिंग क्लियर तो इस तरीके से डायलॉग इनकम्लीट होते हैं और उनको करना करना बड़ा आसान है, है है, है आपको बस क्या क्या आगे जो है, जो दिए हुए डायलॉग्स हैं या इसके पहले का प्रीवियस वाला डायलॉग वो पढ़ के समझना है कि हाँ, यहाँ पे बातचीत की ऐसा नहीं लिखोगे थैंक्स फॉर विजिटिंग बिकॉज इट्स नॉट इनफॉर्मल तो थैंक यू फॉर विजिटिंग होटल अशोका क्लियर ऑल राइट सो विद दिस वी फाइनली कम टू एन एंड ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज डायलॉग राइटिंग या फिर बोल सकते हो डायलॉग राइटिंग स्किल्स तो अब आपको समझ आ गया कि भाई डायलॉग होता क्या है क्यों आना चाहिए डायलॉग राइटिंग स्किल बिकॉज ये ऑब्वियसली आपके स्कूल के सिलेबस में है तो तो इंपॉर्टेंट है ही साथ ही साथ अगर आपको फ्यूचर में कभी कोई बुक लिखनी हो या आपको स्क्रिप्ट लिखनी है या आपको बस ऐसे ही अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है यू रियली वॉन्ट टू बी क्रिएटिव देन डेफिनेटली यू कैन यूज दिस राइटिंग स्किल इन योर डे टू डे लाइफ क्लियर सो दिस इज हाउ यू नीड टू फॉलो ऑल द

Somewhere it should be interesting and entertaining for the reader. So this is how you can use writing skill ko use kar sakte ho, to improve one very important thing that is your creativity, so that you can write different dialogues based on anything that you get to read. So with this we come to an end of this topic, but yes we are going to discuss many more such interesting topics in upcoming videos. So stay tuned and let's just meet in the next video very soon. Till then take care of yourself. Bye. -bye.